हे नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल टेक्नो अस्टज में। तो दोस्तों, आज मेरे हाथ में है सैमसंग का A50। इस फ़ोन का हार्ड रीसेट करके बताऊंगा और आपका फ़ोन में अगर पैटर्न लगा हुआ है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन भी ऑफ नहीं हो रहा है तो क्या करें, यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा पावर बटन और वॉल्यूम डाउन। तो दोनों एक साथ प्रेस करने के बाद आपका डिस्प्ले गुम हो जाएगा, और जैसे ही दोस्तों आपका डिस्प्ले गुम होगा वैसे ही आपको पावर और वॉल्यूम आपको प्रेस करना है। ये देखिए, मैं पावर और वॉल्यूम आपको प्रेस किया, इसके बाद यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ सेकंड वेट करता हूँ, ये देखिए रिकवरी मोड में आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट मिलेगा, तो वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन में जाना है, और पावर बटन को प्रेस करना है इसे सेलेक्ट के लिए। तो यहाँ मैं पावर बटन सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डाउन में यस है, तो डाउन बटन पे जाके और यहाँ पे पावर बटन प्रेस कर देना है सेलेक्ट के लिए। तो ये मेरा वाइप डाटा स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा हार्ड रीसेट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ पावर बटन प्रेस कर देना है फ़ोन को रिबूट होने के लिए। तो ये फ़ोन रिबूट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A50 लिखा गया है। आप ये प्रोसेस किसी भी सैमसंग के A सीरीज़ फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं, हर फ़ोन में आपका ये वर्क करेगा। और हाँ, आप अगर ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को 50% चार्ज कर ले तभी ये प्रोसेस यूज़ कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप अगर ये प्रोसेस यूज़ करते हैं तो आपका सारा डाटा, कॉन्टैक्ट, फ़ोटो, सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ़ोन ऑन हो चुका है, तो इस एरो पे पहले क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं इस एरो को क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए आई हैव क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्किप करके नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन ले लेना है आपका। अगर जीमेल आईडी पासवर्ड एंटर करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, फिर एक्सेप्ट कर दीजिए। और दोस्तों, आप अगर इसमें जीमेल आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाया हूँ, वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों टेंशन को कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो फिर कॉमेंट में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।